बिग बॉस सीजन 13 टीआरपी बटोरने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा है। ऐसे में हमने देखा कि बिग बॉस के घर में बहुत सारे कंटेस्टेंट आए और गए और अब शो खत्म होने के कागार पे आ खड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। फ्रेंड्स, आपको बता दें बिग बॉस के फिनाले को रह गए हैं 4 दिन। ऐसे में बिग बॉस के घर में 7 कंटेस्टेंट बाकी है। तो आइए हम ऑडियंस से जानते हैं कि वो टॉप 5 में किसे देखना चाहते हैं और क्यों। बॉस के घर के अंदर आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और क्यों? शुक्ला साहब, सिद्धार्थ शुक्ला इज द बेस्ट कैरेक्टर है वहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं पर सही के लिए, और उनके सामने किसी की चलती नहीं है। और सबसे सही मेरे को वही कंटेस्टेंट लगते हैं, उनका सबके साथ अच्छा रिलेशन है अभी, और जो लोग झगड़ते भी हैं उनसे बाद में उन्हीं के पास आके बैठते हैं। तो बेस्ट है वो। मेरे को शहनाज दोनों ही बहुत पसंद है, और सब लोग बोलते हैं कि शहनाज में बिल्कुल भी मतलब अकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसमें बहुत अकल है, वो बहुत सोच समझ के चल रही है, वो दिखा रही है, बट शी इज़ वेरी गुड। और अच्छी बात है कि सिद्धार्थ उसको सपोर्ट करता है, बट कहीं ना कहीं वो भी गेम खेल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। सो बहुत दोनों अच्छे कॉम्पिटिटर हैं और अच्छा है, दोनों बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। उन्हीं के हैं जीतने की, हाँ। मुझे लगता है शहनाज ही जीतेगी। ओके, सिद्धार्थ की जोड़ी आपको क्या लगता है बिग बॉस के घर के बाहर कंटिन्यू रहेगी या नहीं? शहनाज तो रखना चाहेगी, सिद्धार्थ काफी इरिटेट हो चुका है बट शो में बट अभी इस समय सिद्धार्थ शुक्ला केयर करते हुए नजर आ रहे हैं शहनाज, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिता लिया है उन्होंने, तो किसी के साथ इमोशन जुड़ ही जाते हैं। आप 2-3 महीने एक साथ रहो एक ही कमरे में, तो और जैसी भी है शहनाज सिद्धार्थ को लेके हमेशा स्टैंड लेती है वो, तो उसका दिमाग थोड़ा पता नहीं वो कब, वो जो बोलते हैं फ्लिपर है ये वो, पर सिद्धार्थ को लेकर वो कभी ऐसा नहीं है उसके साथ। हाँ, वो गेम में मुझे नहीं लगता कि वो बाहर जाके एक साथ रहेंगे, प्रैक्टिकली वे मेरे को नहीं लगता कि वो लोग रहेंगे। टॉप 5 में आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से कंटेस्टेंट होने चाहिए? नंबर 1 सिद्धार्थ, 2 शहनाज, 3 पारस या आसिम, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, मतलब 3rd 4th पे आप इनको ले लो, 5th पे हाँ 5th पे डाउट है, ऐसे मायरा हो सकती है। आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग नंबर 1st फॉर शहनाज, 2nd सिद्धार्थ, रश्मि एंड आसिम एंड देन आरती। टॉप 2 में आप किसे देखना चाहते हैं? शहनाज। शहनाज। ओके, विनर सिद्धार्थ, नो डाउट सिद्धार्थ, शहनाज शहनाज शहनाज। रश्मि और आसिम की दोस्ती की आपको क्या लगता है बिग बॉस के घर के बाहर इनकी दोस्ती कंटिन्यू रहेगी या नहीं? आसिम की दोस्ती किसी से नहीं रहेगी, आसिम हिमांशी के लिए पागल थे और हिमांशी से रिलेटेड ही वो लोगों के साथ जुड़ते थे, तो हिमांशी है तो वो है, वरना वो किसी के साथ भी नहीं, ना उनका सिद्धार्थ के साथ जमा, ना ही शेफाली के साथ जमा, और ना ही इनके साथ रश्मि के साथ, तो आसिम की दोस्ती मुझे नहीं लगता बाहर जाके किसी के साथ होगी। एक्चुअली गेम है और सब लोग अच्छे से खेल रहे हैं, इट डजेंट मैटर, बाहर जाके कोई किसी से नहीं मिलने वाला है, सबको पता है, सब अपनी लाइफ में फिर से बिजी हो जाएंगे, सो एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट है, दैट्स इट।